हे नमस्कार फ्रेंड, आपका फिर से स्वागत है आपके चैनल काइट लवर में। तो गाइस, जैसे कि आपने कमेंट किया था कि सर हम पतंग से पेच कैसे लड़ा सकते हैं, तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप किस तरह से पतंग से पेच लड़ा सकते हैं और कौन कौन से तरीके होते हैं पतंग से पेच लड़ाने के और कौन से तरीके से आप दूसरे के पतंग को काट सकते हैं। तो ये गाइस दो पार्ट में मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ। पहले पार्ट में मैं आपको सिर्फ डेमो दिखाऊंगा। देखिए मेरे पास ये छोटी पतंग है, मैंने बनाई है, ये मान के चले ये ग्रीन वाले मेरी अपनी, यानी ये आपकी पतंग है जो आप उड़ा रहे हो और ये आपके अपोनेंट की पतंग है जो कोई और उड़ा रहा है, ठीक है। तो ये अभी मैं डेमो से बताऊंगा और नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको प्रैक्टिकली उड़ा के फिर काट के भी बताऊंगा। तो चलिए इस डेमो को स्टार्ट करते हैं यहीं पर। तो गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये ग्रीन वाली हमारी पतंग है और ये पिंक वाली ओपोनेंट की पतंग है। अब सबसे पहले हम लेते हैं ढील का पेचा। लेट करो, ये आपकी पतंग और ये ओपोनेंट की पतंग है। अब ये ओपोनेंट की पतंग इस तरह से आगे की तरफ उड़ रही है और आपकी पतंग यहाँ पर है। आपने अब ढील देनी है। अब ओपोनेंट में से खींच मारे ढील मारे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, सिर्फ आपने ढील देने। तो ढील का पेचा किस तरह से ले, आपने क्या करना है, ऊपर से निकालनी है उसकी पतंग, नीचे से नहीं लेनी है। ऊपर से निकाल के नीचे की तरफ झाप लाना है ऐसे। देख गाइस, ऊपर से इधर से ले जानी है, ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ झाप ला के इस तरह से मोड़ देने हैं यहाँ पर, और फिर ढील देनी है ताकि ये कुछ इस तरह से नजारा होगा, इस तरह से। ये देखिए, फिर से मैं बताता हूँ, ये किसी और की पतंग है आपके ओपोनेंट की, आपने आगे की तरफ ले जानी है और यहाँ से झाप निकाल के इधर की तरफ लाना है, इस तरह से ही होगा और ढीले देते चले जाना है। आपको कोई मतलब नहीं है भाई क्या कहाँ तक ढील जा रही है, ये गारंटी है, क्योंकि आपके ओपोनेंट की पतंग उसमें 100% कटेगी कटेगी। अब वो कैसे कटेगी मैं बताता हूँ। देखो, जब आप यहाँ से लेके जा रहे हो, सबसे पहले यहाँ रगड़ा पड़ा उसकी डोर पे, जब आपने यहाँ से झाप खिलाया, उसके बाद आपने नीचे से निकाल के इधर झाप खिलाई, यानी फिर नीचे से ये जो एरिया है यहाँ से भी उसकी डोर पर रगड़ा पड़ गया, बस इतना ही काफ़ी है। उसके बाद उसकी पतंग कट के आई बोले हो जाएगी। तो ये था जब आपका ओपोनेंट की पतंग आगे हो और आपकी पतंग पीछे हो। अगर क्या हो, आपकी पतंग आगे उड़ रही हो और ओपोनेंट के पीछे से आ रही हो, तब क्या करेंगे आप उस केस में, तब भी आपको ढील का ही पेचा लेना। तो किस तरह से लेंगे, मान लो ओपोनेंट आएगा तो आगे की तरफ ही, आपके पीछे तो आएगा नहीं। तो ओपोनेंट जब नीचे की तरफ आपकी अपनी झाप खिलाएगा, जब नीचे की तरफ आपकी पतंग से ऊपर, तो आपने क्या करना, पूरी तेजी से ऊपर की तरफ खींच के उल्टा झाप खिला देना इस तरह से। देखिए, जैसे अब आपकी पतंग आगे की तरफ है, ओपोनेंट के पीछे की तरफ है, जब ओपोनेंट आगे की तरफ ला के ऐसे झाप खिलाएगा तो आपने तेजी से खींच के ओपोनेंट के ऊपरी झाप खिला देना और ढीले चलने देने हैं, इससे फिर ओपोनेंट की पतंग कट जाएगी। तो ये था ढील का खींच। अब आप खींच के बारे में बात करते हैं, या ढील के बारे में बात हो चुकी है। अब खींच कैसे मारना है, मान लो ये पतंग किसी और की है, ये आपकी पतंग थी, अब खींचा कैसे मारना है। सबसे पहले तो खींच के लिए जितनी दूरी से आपकी पतंग वो दूर है, उससे डबल दूरी आपने आगे तक ढील देनी है। जैसे ये ओपोनेंट की पतंग है तो आपको इतनी ही दूरी, जितनी पतंग और उस पतंग के बीच में गैप है, इतना ही गैप आपने ढील का देना आगे, इतना गैप हो गया। और फिर नीचे झुकाने, बिल्कुल नीचे, और नीचे झुका के जितना पॉसिबल हो सके कन्नों से बहुत ही ज़्यादा दूर। अगर कन्नों के पास से खींच मारोगे तो आपकी 100% जाएगी जाएगी, तो कन्नों से बहुत ज़्यादा दूर होकर खींच मारनी है आपने। तो फिर से देखिए, लेट करो, ये आपकी पतंग है ग्रीन वाली, ये ओपोनेंट की पतंग है। तो ग्रीन वाली पतंग आपने जितना डिस्टेंस अभी ग्रीन और पिंक कलर की पतंग में है उतना ही आपने ढील देनी है इतनी आगे, और फिर नीचे से निकाल के जितना पॉसिबल हो सके उतना खींच के एकदम तेजी से ऊपर की तरफ खींच दो, तब आपके ओपोनेंट की पतंग आसानी से कट जाएगी। ये था नीचे से खींच। अगर आप ऊपर से खींच मारना चाहते हो तो क्या करना है, आपने आगे की तरफ ले जानी है सेम, और फिर ऊपर से लानी है, और ऊपर से ला के उल्टा खींच मार के हल्का सा, मतलब पूरा खींच नहीं मारना, अगर पूरा खींच मारेगा तो आपके चांस है, तो ऊपर से लानी है, तेजी से खींच मार के एकदम ढील दे देनी है यहाँ पर। उससे क्या होगा, तेजी से जब आप खींच मारोगे तो एक ही जगह रगड़े पड़ेंगे दूसरे ओपोनेंट की पतंग के बीच में, ऐसे यहाँ पर एक ही जगह रगड़े पड़ेंगे, और जैसे ढील दोगे एकदम साफ हो जाएगी उसकी पतंग। तो अब लास्ट बात आती है, अगर आपको ओपोनेंट भी खींच मारे हो, आप भी खींच मारो, तो उस चीज में क्या होगा। लेट करो, ये आपका पेच है, ये आपकी पतंग है, ये ओपोनेंट की, जब आप नीचे से खींच लेने गए, या आप खींच मारे और ओपोनेंट और ऊपर, आप और ऊपर और ऊपर और ऊपर, इस तरह से करते करते आपकी क्या डोर बिल्कुल कन्नों के पास आ जाएगी एक टाइम पे इसके, वो खींच आपने छोड़ देना है, वो खींच नहीं मारना। आप कोशिश करो यहाँ से बच के नीचे की तरफ निकाल लो अपनी पतंग। देखो मैं फिर से बताता हूँ, जैसे ये आपकी पतंग है, ये ओपोनेंट की है, आप अब खींच मार रहे हो नीचे से, ओपोनेंट और ऊपर ले जा रहा है, आप और ऊपर, ये और ऊपर, आप और ऊपर, एक टाइम ऐसा आएगा जब आपकी डोर इसकी कन्नों के बिल्कुल करीब आ जाएगी, और वो टाइम पे आपकी पतंग एकदम आसानी से कट जाएगी। तो आपने उससे बचना है, आपने क्या करना है, जब ओपोनेंट आपका ऊपर ऊपर ले जाओ, तब आपने बड़ी चलाकी से नीचे से झाप निकाल कर बड़ी तेजी से ऊपर रख देनी है, उसको ढील दे देनी है उस टाइम पे, फिर खींच मारने की प्लानिंग छोड़ देना।
बिल्कुल, जैसे ये पूरी तेजी से मान लो ऊपर की तरफ खींच ले जा रहा, आप नीचे पूरी ये ले जा रहे एकदम से स्पीड पे लाके ऐसे करोगे और ये ऊपर खींचेगा हल्का सा, जब इसकी काट साफ हो जाएगी। तो गाइस ये कुछ ट्रिक्स थी, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, और मैं ज़्यादा नहीं सिर्फ 500 लाइक्स का एम रखता हूँ, ताकि आप पार्ट टू में पूरा प्रैक्टिकली आपको दिखाऊंगा। और जितने भी तरह के पेच होते हैं, काफ़ी तरह के पेच जो होते हैं, वो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो भाई किस तरह से उन पेच से बचे या कैसे काटे। तो होप करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक्स यू गाइज़।